गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मीटर ब्रिज. यस्टरडे वी कंप्लीटेड द व्हीट स्टोन ब्रिज अलोंग विद इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, सो मीटर ब्रिज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे. एक सिंपल इंट्रोडक्शन अगर हम इसका दें, व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. हियर वी यूज अ वायर ऑफ 1 meter लॉन्ग and made by the alloy like constant and magnesium etc. okay, and it consists of copper strips for connections. okay, then galvanometer, cell, key and connecting wires. okay, so all these components and apparatus are connected. jaisa hum yahan ek diagram banayenge according to the diagram. okay, so it is a 1 meter. It is an improved form of, we can say an improved form of Wheatstone bridge okay, improved form क्यों कहा इसको? Because इसकी जो एफिशिएंसी नहीं कहेंगे, सेंसिटिविटी की मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी जो होती है इस मीटर ब्रिज की वो व्हीट स्टोन ब्रिज से ज्यादा होती है. ओके, उसी पी और क्यू जो हमने रेजिस्टर्स वहां फिक्स्ड आर्म में कनेक्ट किए थे, दे आर कनेक्टेड और दे आर टेकन अलोंग द लेंथ ऑफ अ वायर एंड दैट वायर इज मेड बाय कॉन्स्टेंटन एंड इट इज 1 meter लॉन्ग. ओके, तो उसी वायर के लेंथ के अलोंग हम पी और क्यू रेजिस्टेंसेस को लेते हैं और रिमेनिंग आर और एस रेजिस्टेंसेस को हम एज इट इज रखेंगे. ये किस पर बेस्ड है? दिस मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज और इसका भी वही यूज है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस. ओके, अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम मीटर ब्रिज को यूज लेते हैं. तीन प्रैक्टिकल्स है हमारे प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में विच आर वी परफॉर्म ऑन द मीटर ब्रिज. एंड द फर्स्ट वन इज द टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर और गिवन वायर. सेकेंड वन टू वेरीफाई द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेज. एंड थर्ड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को वेरीफाई करना. तो जो लॉज हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब वैसे बोर्ड ने इस ईयर के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रिमूव कर दिया है, तो मे बी मीटर ब्रिज पर हम ये दो प्रैक्टिकल्स न करें. या फिर 10th स्टैंडर्ड में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रखा है तो उस बेसिस पर हम मीटर ब्रिज पर प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं. ओके, देखते हैं प्रैक्टिकल्स में वो एड होता है या नहीं होता है. तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ये एक तरह से इंप्रूव्ड फॉर्म है. इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस. ओके, लाइक व्हीट स्टोन ब्रिज इट बेस्ड ऑन, ये कई बार क्वेश्चन आता है, इट इज Based on principle of Wheatstone bridge. Wheatstone's bridge. Its sensitivity is more than Wheatstone ब्रिज. इसकी जो सेंसिटिविटी है वो व्हीट स्टोन ब्रिज से ज्यादा होती है. ओके, द टू रेजिस्टर्स या टू रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज आर टेकन अलोंग a wire of 1 meter long and uniform cross section. comma लगा के लिख देना, made by alloy. okay, या अलग अलग metals को compose करके alloy बनाया जाता है, उस alloy का ये wire जो है वो कंसिस्ट होता है या बना हुआ होता है, मेड अप बाय द.
तो 1 मीटर लॉन्ग वायर इज यूज, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज मीटर ब्रिज. ओके, इन दिस ब्रिज में हम 1 मीटर लॉन्ग वायर को यूज लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन की एक इंट्रोडक्शन हो गया इसका. इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना. कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द मीटर ब्रिज, तो वहां हम उसकी सेंसिटिविटी का डिफरेंस दे सकते हैं कि मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव कंपेरेटिव टू द व्हीटस्टोन ब्रिज. इसलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली नहीं लेते यूज में, प्रैक्टिकल्स नहीं है सीबीएसई बोर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बट मीटर ब्रिज पर हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, क्योंकि इससे जो रीडिंग्स आती है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू द व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे इसमें. तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो, टू एल शेप्ड कंस्ट्रक्शन, टू एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप्स आर यूज्ड. दिस वन इज फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन. ओके, एंड द 1 मीटर लॉन्ग वायर, दिस पॉइंट इज ए and this point is supposed B. This is the 1 meter long wire. Okay, length जो है A to B point की, that is 1 meter. ये fixed है, इसको हम change नहीं करते. Next हम पढ़ेंगे potentiometer. वहां पर ये length जो होगी wire की, जो हम उस bridge में connect करते हैं, that is 4 meter to 10 meter. उसकी construction different है, but यहां length हमेशा 1 meter fixed है. It is not variable length. Okay? थर्ड कॉपर स्ट्रिप इज ऑल्सो यूज इन बिटवीन इन रेक्टेंगुलर शेप. देर आर टू गैप्स, दिस वन इज द लेफ्ट गैप एंड दिस वन इज द राइट गैप ऑफ द ब्रिज. इनको हम टू गैप्स बोलते हैं, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. इन द लेफ्ट गैप वी ऑलवेज कनेक्ट अ रेजिस्टेंस बॉक्स. ओके, इन द लेफ्ट गैप वी ऑलवेज कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स, हुज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन. तो जिस वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं और नोन होती है, उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या ले रहे थे, आर से डिनोट कर रहे थे. तो दिस इज द रेजिस्टेंस आर. बेसिकली जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी द आर. देन हियर वी कनेक्ट द अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. ओके, हो सकता है वो एक गिवन वायर हो. आपको लेबोरेटरी में 50 सेंटीमीटर का एक वायर मिलता है कॉन्स्टेंटन का बना हुआ, तो उस वायर को हम यहां पर कनेक्ट करते हैं इस राइट गैप में. ओके, एंड सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज एस. क्लियर? अ स्केल इज अटैच अलोंग विद दिस वायर टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर, एंड दिस स्केल इज फ्रॉम 0 to 100 centimeter. ओके, 0 to 100 centimeter, दैट इज मीटर स्केल. दिस इज 1 centimeter, दिस इज 2 centimeter एंड सो ऑन. तो स्केल इज ऑल्सो अटैच्ड अलोंग विद द पैरेलल टू द वायर टू मेजर इट्स लेंथ. कौन सी लेंथ मेजर करेंगे, उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि विच लेंथ वी हैव टू मेजर. ओके, then a galvanometer is also connected. Suppose this is the galvanometer and the second terminal is connected at any point of the wire and this is the bridge wire. This point is supposed J. ये J point actually जो कि एक apparatus है. Okay, एक apparatus है, pen like इसकी shape होती है. तो उसमें क्या होता है, पीछे हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं और आगे मेटल एक कॉन्टेक्ट होता है, जैसे हमारे पैन में रिफिल होती है ना एंड टू एंड, वैसे ही इसमें एक मेटल एक कॉन्टेक्ट होता है. तो उस और ऊपर जैकेट होता है प्लास्टिक का. इसकी भी मैं तुम्हें पिक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि ये जॉकी किस तरह की दिखती है. तो वो पैन टाइप हमारे पास जो एपरेटस है उसको हम जॉकी बोलते हैं और उसको हम इस वायर के थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करके चेक करते हैं कि वेयर द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो.
ओके तो दैट इज द यूज ऑफ दिस जॉकी। आप डायरेक्ट वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो इस पॉइंट पर कि जो ये गैल्वेनोमीटर का सेकेंड वायर है उसको हम डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारी फिंगर का कॉन्टेक्ट आएगा उसके साथ, तो वो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो या एरर्स नहीं जनरेट हो, इसीलिए हम क्या करते हैं इस जॉकी को यूज लेते हैं। ओके सिमिलरली अब करंट हमें यहां पर सर्किट में फ्लो कराने के लिए एक सेल चाहिए, तो सेल हम यहां कनेक्ट करते हैं इसी पॉइंट पर। अब सेल इज ऑल्सो कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके देखो ये मेटल की स्ट्रिप है, दिस इज द मेटल स्ट्रिप और कॉपर स्ट्रिप वी कैन से, दिस इज ऑल्सो मेटल स्ट्रिप एंड दिस इज ऑल्सो मेटल स्ट्रिप। इनके रेजिस्टेंसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, इसीलिए हम इन मेटल स्ट्रिप्स को यूज लेते हैं ताकि इन तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम बना रहे, इन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहे। अगर हमने यहाँ वायर यूज लिया और वायर का खुद का रेजिस्टेंस हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंट आ जाएगा। वैसे तो इस मेटल स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस होगा लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा है। ओके मेटल है, एक वायर, एक तो स्ट्रिप यूज लेते हैं हम और एक वायर यूज लेते हैं, तो वायर का एरिया कम होता है, मेटल की स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है एंड दैट इज रीजन वी आर यूजिंग द मेटल स्ट्रिप्स इन द प्रैक्टिकल और इन द ब्रिज। ओके तो दिस इज, अब कुछ डायग्राम आपको ऐसे मिलते हैं जहां सेल यहां कनेक्ट किया हुआ बताते हैं कि सेल को हमने यहां कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो सेम। ए पॉइंट पर सेल का पॉजिटिव आना चाहिए, वो ए पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑल दीज थ्री पॉइंट आर द पॉइंट ए एट द सेम पोटेंशियल, ऑल दीज थ्री पॉइंट आर द पॉइंट बी एट द सेम पोटेंशियल एंड ऑल दीज थ्री पॉइंट आर द पॉइंट सी एट द सेम पोटेंशियल। जहां जहां मेटल स्ट्रिप के जितने भी पॉइंट्स हैं वहां सब पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इसीलिए हम उन पॉइंट्स के नेम भी सेम दे सकते हैं। ओके तो दिस ऑल थ्री आर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब पहले मैं इसको कंपेयर करता हूं हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज से, कि व्हीट स्टोन ब्रिज में और इसमें अगर एक कंपैरिजन किया जाए। देखो एक और बात यहां पर, यहां हम जहां जॉकी टच कर रहे हैं यहां नल डिफ्लेक्शन होगा, हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे थ्रू दिस लेंथ ऑफ द वायर वेयर द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। यहां आर रेजिस्टेंस को पहले फिक्स कर दिया जाता है। इसमें और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या डिफरेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हम आर की वैल्यू को वेरी कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि कहां जी का डिफ्लेक्शन जीरो हुआ। यहां हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ आर कॉन्स्टेंट, सपोज 1 ओम वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड वी मूव दिस पॉइंट जे along or through this wire of the meter bridge and find where the deflection in galvanometer becomes zero. तो जहां suppose करो इस J point पर ये deflection zero हुआ, तो ये length हम A point से measure कर लेते हैं, ठीक है। Left end से हमेशा balancing length measure होती है, इस length को नाम दिया जाता है balancing length. Balancing length means a length of the wire at which from the left end or point A at which the deflection in galvanometer becomes zero. ये definition भी वाइवा में पूछी जाती है, what do you mean by the balancing length of the meter bridge? तो balancing length is the length of the wire from point A or from left end where the deflection in galvanometer becomes zero. ये मैं यहां भी नोट करवा दूंगा बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है। तो ये अगर बैलेंसिंग लेंथ सपोज करो एल सेंटीमीटर में है, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की, इट विल बी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके फ्रॉम दिस जे टू बी, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज 100 सेंटीमीटर, सो इफ दिस डिस्टेंस इज एल देन दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके
सो दिस लेंथ इज कॉल्ड द बैलेंसिंग लेंथ, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए और फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। ये जो वायर है ये ब्रिज वायर कहलाता है, ए बी जो वायर है दैट इज कॉल्ड ब्रिज वायर। और ये जो वायर आपको गिवन होगा जिसका रेजिस्टेंस हमने एस लिया है, ये अननोन वायर होगा या गिवन वायर होगा। ओके, इसको हम गिवन वायर कहते हैं। तो दो टाइप के वायर्स की हम यहाँ बात करते हैं, एक गिवन वायर और एक ब्रिज वायर। तो ए बी जो है वो तो है ब्रिज वायर, और जो ये जिसका रेजिस्टेंस एस है या जो सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, दैट वायर इज कॉल्ड द गिवन वायर हुज रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन वायर। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, और इसका एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम इस मीटर ब्रिज को डिजाइन करते हैं, एक तरह से सर्किट कैसे इसका बनाते हैं। अब मैं एक कंपैरिजन बता रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में। तो अगर सपोज करो कि मेरे पास में ये दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, हेयर द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ओके, एंड हेयर वी कनेक्ट अ सेल अलोंग विद द की लाइक दिस। ओके, विजिबल है ना नीचे तक, ठीक है। सो दिस वॉज पी क्यू एंड आर एंड एस। अब ध्यान देना, देखो यहां आर कहां कनेक्ट है, ए और सी के बीच में। These points are A. इन तीनों को आप पॉइंट A कह सकते हो, ऑल आर एट सेम पोटेंशियल, मैं बता चुका हूं। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, सी पॉइंट है ये तीनों। एंड दीज थ्री पॉइंट आर बी, वैसे जरूरत नहीं है तीनों को बी लिखने की, नोन है ये, वेल नोन है, बट फिर भी मैं यहां पर इन तीनों को बी, इन तीनों को सी, इन तीनों को ए लिख रहा हूं। तो ए और सी के बीच में आर कनेक्टेड है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये ए पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया हमारा। ए और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस आ गया। देन एस कहां कनेक्टेड, देखो सी और बी के बीच में, एस इज कनेक्टेड इन बिटवीन सी एंड बी, तो दिस इज सी एंड दिस इज सपोज बी, तो दिस सी एस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड बी। द बैटरी और सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी थ्रू द की, ए और बी के बीच में ये सेल कनेक्टेड है, तो देखो यहां भी ए एंड बी के बीच में ये सेल कनेक्टेड है अलोंग विद द की, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज पी और क्यू, यहां किसको कह रहे हैं हम इस ब्रिज में, ये जो वायर है हमारा ब्रिज वायर, इसमें जहां नल डिफ्लेक्शन आया उस पॉइंट तक, इस ए पॉइंट से जे पॉइंट तक वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू जे इज द पी। रेजिस्टेंस पी कौन सा है यहां पर, इस बैलेंसिंग पॉइंट पर, दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट, ए से जे तक जो वायर की लेंथ है उसके रेजिस्टेंस को हम पी कह रहे हैं। एंड सिमिलरली जे से लेके बी तक का जो ये रेजिस्टेंस है इसको मैं क्यू कह रहा हूं। ओके, पी मैं यहां भी ये नीचे लिख लेता हूं, दिस इज पी एंड दिस वन इज क्यू, मीन्स ए टू जे जो वायर का रेजिस्टेंस होगा दैट इज पी, और जे टू बी जो वायर का रेजिस्टेंस है दैट इज क्यू। समझ में आया। अब देखो उसी पॉइंट को यहां पर लेते हैं, ए और जे के बीच में पी कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट को अभी हम डी नहीं कह के जे कह देते हैं, नाम है कुछ भी दिया जा सकता है। तो सपोज दिस पॉइंट इज जे, देन पी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड जे, पी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड जे। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर, ये डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, इट इज रेजिस्टेंस, पी ओम कह सकते हो, ठीक है, दिस इज क्यू ओम। सिमिलरली फ्रॉम जे टू बी द रेजिस्टेंस इज क्यू, सो दिस जे एंड बी द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज क्यू। तो क्यू रेजिस्टेंस इस वायर की लेंथ का और पी रेजिस्टेंस इस वायर की लेंथ का जो ब्रिज में कनेक्टेड है। तो जो पी और क्यू यहां फिक्स्ड थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये पी और क्यू फिक्स्ड थे, उन्हीं को हमने क्या किया मीटर ब्रिज में एक 100 सेंटीमीटर लेंथ के वायर के अलोंग ले लिया।
अब ये पी और क्यू की वैल्यूज चेंज हो सकती है। मान लो आर की वैल्यू आपने चेंज की और एल की वैल्यू सपोज इंक्रीज हो गई, ओके एल अगर इंक्रीज हो गया तो सिचुएशन में 100 माइनस एल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पी इंक्रीज हुआ और क्यू डिक्रीज हो गया, तो वो वैल्यूज वेरी कर सकती है पी और क्यू की इन केस ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके बट इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ रेशियो इनका सेम रहेगा, ओके इसके रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि P और Q जो वैल्यू है रेजिस्टेंसेस की, वो वैल्यूज अब फिक्स्ड नहीं होके वो थ्रू द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज आ गई है, क्लियर। तीसरा एक लास्ट पॉइंट गैल्वेनोमीटर कंपेयर कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर देखो जे और सी के बीच में कनेक्टेड है, और यहां भी देखो सी और जे के बीच में कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड जे, तो एक्चुअली बोथ द ब्रिजेस व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज आर सेम, बट जो चेंज आया वो क्या आया, पी क्यू की जगह हमने एक 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज लिया है और उस वायर के अलोंग हम पी और क्यू के रेजिस्टेंसेस को ले रहे हैं, ओके अब अगर मुझे यहां पर पी को इन टर्म्स ऑफ एल लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, सपोज कर लेते हैं लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर इज सिग्मा। एक नई क्वांटिटी हम वायर के लिए यहां पर डिफाइन करते हैं, वो क्वांटिटी क्या है, सिग्मा जो है वो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को बता रहा है। जैसे सपोज करो ये इसकी वैल्यू हो 0.1, सो लेट द सिग्मा इज, सिग्मा को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा था, लेट सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो हमारे पास ब्रिज वायर है ए टू बी जो हमने कनेक्ट किया है, फॉर दिस ब्रिज वायर द यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज सिग्मा। नाउ सपोज दैट कि 0.1 ओम पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, या 1 ओम पर सेंटीमीटर अगर इसकी वैल्यू है, तो वो क्या बताएगा कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, ओके फॉर द 1 सेंटीमीटर लेंथ द रेजिस्टेंस इज सिग्मा। अब अगर इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सिग्मा इज बॉट हियर, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी नहीं है, ध्यान रखना, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग डेरिवेशंस में हम एक कॉमन सिंबल यूज ले सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, ये सिंबल्स जो होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा रो, ये सारे लिमिटेड होते हैं, पर टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं जिनमें हमें कुछ वेरिएबल्स कंसिडर करने होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी सम टाइम यूज कॉमन वेरिएबल्स और कॉमन सिंबल्स फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके सो यहां भी हम वही बात कर रहे हैं कि सिग्मा यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है जो हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर रहे थे। It is here the resistance per unit length, yani it will be the resistance upon length. Okay? तो अगर मुझे यहां से resistance लिखना हो तो resistance क्या हो जाएगा, it will be sigma into length. तो L length के wire का resistance हम कितना लिखेंगे, it will be sigma into L. Sigma into L किसे represent करेगा, P को, okay? P is what? P is the resistance of L length of the wire, and L length of wire का resistance हम कैसे लिखते हैं, sigma into L. Similarly, Q को क्या लिख सकते हैं हम, it will be sigma into 100 minus L. जब multiply करोगे sigma की suppose करो unit है ohm per centimeter हमारे circuit के लिए, और L भी हम किस में ले रहे हैं, centimeter में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पी इन ओम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ क्यू इन ओम। तो पी और क्यू को हम ओम में यहां पर लिखेंगे। एक बार यहां तक नोट करो, ये कंपैरिजन के लिए मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, इसको रिक्वायर्ड नहीं है। The bridge wire
द ब्रिज वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मेड बाय एलॉय इज कनेक्टेड विद कॉपर या मेटल स्ट्रिप्स एज शोन। ओके, ये हम इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डायग्राम का इंट्रोडक्शन हम दे रहे कि हमने यहां पर एक ब्रिज वायर यूज लिया है ए बी जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड मेड बाय एलॉय इज कनेक्टेड विद द मेटल स्ट्रिप एज शोन। दिस इज द फर्स्ट मेटल स्ट्रिप एंड दिस वन इज सेकेंड मेटल स्ट्रिप। ओके, द गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन राइट गैप ऑफ ब्रिज। ओके, रिमेनिंग कंपोनेंट्स को बता देना, द सेल की, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, स्केल आर अटैच्ड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो इनको एक एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में, जस्ट आप इनके नेम लिख देना और अदरवाइज नहीं भी लिखो, ये 2 लाइन लिख दो तो भी सफिशियंट है। ओके, फिर ये लाइन लिख लेना, लेट सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और जिस सिग्मा इज रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ देन रेजिस्टेंस इज सिग्मा टाइम्स ऑफ लेंथ। तो पी यहां पर हो जाएगा सिग्मा इंटू एल और क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। ओके, और इन दोनों की वैल्यू ओम में रहेगी। तो यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर कल से हम ऐसा करते हैं इस वेबएक्स पे ही मीटिंग में लेता हूं, गूगल मीट हम लीव कर देते हैं अगर यहां तुम्हें क्वालिटी बेटर मिलती है कंपेरेटिव टू गूगल मीट। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, 45 मिनट के बाद में हमें वापस से ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें 45 या 50 मिनट का ही एक मीटिंग स्लॉट होता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो उसके बाद हमें रीज्वाइन करना पड़ता है। तो 50 मिनट बाद मैं तुम्हें बता दूंगा भी अब मैं मीटिंग क्लोज करके वापिस से उस मीटिंग को स्टार्ट करूंगा और वापिस से रीज्वाइन कर लेना। ओके, डायग्राम इसका ध्यान रखना, द रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू आर टेकन अलोंग वायर ऑफ अलोंग ब्रिज वायर। P और Q के रेजिस्टेंसेस जो है वो हम ब्रिज वायर पर ले रहे हैं। P इज रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ एंड Q इज रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ। किसके लिए? ब्रिज वायर के लिए। ठीक है, गिवन वायर और ब्रिज वायर डिफरेंट है, ध्यान रखना। गिवन वायर तो ये होगा जिसके रेजिस्टेंस को हमने शो किया है, और ब्रिज वायर यहां पर ये ए और बी के बीच में जो कनेक्ट किया गया है दैट इज द ब्रिज वायर। अब इसके प्रोसीजर की लाइन लिख लेते हैं कि हेयर ऑल्सो वी मूव और स्लाइड, वैसे स्लाइड नहीं करना चाहिए बट हम इस वे में लिख सकते हैं, वी स्लाइड दिस जॉकी ऑन द ब्रिज वायर सच दैट वी गेट नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एंड इन दिस सिचुएशन द लेंथ एल इज कॉल्ड द बैलेंसिंग लेंथ। ओके, तो नेक्स्ट इसकी हम वर्किंग की बात करते हैं। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई एक तरह से,
वर्किंग The jockey is slided on wire AB to find null deflection in galvanometer. Capital G लिख रहा हूं, G का मतलब यहां galvanometer से, in galvanometer for a fixed value of R and S, यानी R और S की एक fixed value पर हम इस J को यानी J point को यहां पर slide करेंगे, select करेंगे to get null reflection in the galvanometer. और जहां null reflection आ गया वहां हम balancing length measure कर लेते हैं. Okay? The length L is balancing length from left end point A. ये ध्यान रखना कि यहां ये balancing length left end से होनी चाहिए. आपको कई बार क्वेश्चन में हो सकता है right end से एक distance given हो, तो जो राइट हैंड से आपको डिस्टेंस गिवन है बैलेंस पॉइंट की, जहां डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जीरो हो रहा है, वो 100 माइनस एल है. ध्यान रखना दैट इज नॉट एल, दैट इज 100 माइनस एल. तो उसको वापस 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट एल. जैसे मान लो सपोज करो आपको गए कि राइट हैंड से जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है दैट इज 40 सेंटीमीटर, तो एल क्या होगा, एल वहां पर 60 सेंटीमीटर होगा. ओके, 100 माइनस 40 इज 60. तो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखना कि आपको L गिवन है या 100 माइनस L गिवन है. ओके, ये ध्यान रखना यहां पर. सो द लेंथ L इज बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड दैट इज पॉइंट A, वेयर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो. Deflection in E becomes zero. या इसको null deflection कह सकते हो, zero deflection और null deflection. Okay? So this is L and or it can be measured with the scale attached. इसको हम इस scale की सहायता से, इसकी scale की help से measure कर सकते हैं. This is the scale. Diagram में ही mention कर लेना जिसको हम measure कर सकते हैं. Now using balancing condition क्या है, balancing condition is P upon Q equals to R upon S, यही है balancing condition. इस balancing condition में हम P और Q की value रख देते हैं जो अभी हमने find की. ओके, और हमें find क्या करना है, S. तो S क्या होगा, R times of Q upon P, यही आएगा. Q और P की वैल्यू रख देते हैं, इट इज R टाइम्स ऑफ 100 माइनस L इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय L इंटू सिग्मा. तो यहां देखो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर इज नॉट रिक्वायर्ड प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली जब हम मीटर ब्रिज पर S की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें सिग्मा रिक्वायर्ड नहीं होता. ये हम केवल थ्योरी में इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए लेते हैं, एज्यूम करते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज सिंपली S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L टाइम्स ऑफ R. And remember this formula for the case of meter bridge. Yes. Now suppose अगर हमें यहाँ पर find करना है resistivity of the given wire, then this resistivity of given wire can be measured by the formula S A by L. Okay? उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. To find resistivity
ऑफ गिवन वायर, किसका हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हैं, गिवन वायर की रेजिस्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं। टू फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर वी यूज द फॉर्मूला रो इक्वल्स टू एस ए अपॉन एल, जहां ए क्या है यहां पर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये कैपिटल एल क्या है गिवन वायर की लेंथ है, ठीक है, एल इज लेंथ ऑफ गिवन वायर, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ गिवन वायर, और आर क्या है यहां पर रेडियस ऑफ गिवन वायर, लेंथ एंड रेडियस ऑफ गिवन वायर। तो प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, इन प्रैक्टिकल वी यू विल बी प्रोवाइडेड अ वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ अलोंग विद द मीटर ब्रिज एंड अलोंग विद द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की हेल्प से रेडियस फाइंड करोगे, दो टेबल्स बनती है इसमें, और स्केल ये वाली ही यूज ले लेते हैं हम, उससे हम उस वायर की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और एस फाइंड करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखो वो टेबल कैसी होगी उसको मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, एक बार नोट करो यहां तक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना ऑडियो वीडियो में, अभी भी क्लियर नहीं है, मैं नेटवर्क चेंज किया है वापस। पहले 5 मिनट वीडियो और ऑडियो दोनों में आ रही थी, 5 मिनट पहले। ओके अब ठीक है, सब तभी वापस आया। अब वो मैं नेटवर्क चेंज किया है, शायद उसका डेटा खत्म हो गया था जो मोबाइल पहले यूज ले रहा था। ओके सर, सो द टेबल यूज फॉर दिस, सिंपल सी टेबल हम यूज लेते हैं इसमें एस को फाइंड करने के लिए। देखो पहला हो जाता है सीरियल नंबर, देन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, इसको अलग अलग रीडिंग लेनी होती है ना हमें, तो डिफरेंट रीडिंग्स के लिए वी चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आर, आर की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो आर की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, फिर इस आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल ले लेते हैं, देन 100 माइनस एल, एंड देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एस। दिस इज द टेबल विच वी यूज, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 ओम है, यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग लेंथ आती है सपोज 40, 50 एंड 60। एक और पॉइंट, रेजिस्टेंस बढ़ने पर बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होती है, आर और एल प्रोपोर्शनल होते हैं ध्यान रखना है, और हम फर्स्ट रीडिंग वो सेलेक्ट करते हैं एल की जहां पर डिफ्लेक्शन 40 और 45 के आसपास मिले। ये वैसे मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तब ये चीज बताऊंगा कि हमें क्यों इस फर्स्ट रीडिंग को 40-45 के आसपास लेना होता है, ताकि एक्चुअल में मीटर ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है वो बेस्ट एट द मिडल मिलती है, यानी 50 सेंटीमीटर पर अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर मान लो 20 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ है, 10 सेंटीमीटर पर है, तो उसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, पुअर सेंसिटिविटी कहलाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि R की वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट करें कि फर्स्ट रीडिंग जो है यहाँ L की वो क्या आए, 40 के आसपास है या 40 से ज्यादा है। ओके तो ये R वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 1, 2, 3 ओम ले, हो सकता है 4, 5, 6 ओम, हो सकता है 9, 8, 10 और 11 ओम भी लेना पड़े, तो अलग अलग सिचुएशन में R की वैल्यू डिफरेंट हमें लेनी पड़ती है, पर तीन ऑब्जर्वेशन ही हम इसको रीड करते हैं और नोट करते हैं। ओके तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद रखना, वी फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यूजिंग दिस टेबल, और आर के लिए टेबल सिंपल है, एम एस आर, वी एस आर, टोटल रीडिंग और डायमीटर की हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी। ओके इसी फॉर्मूला को अगर डायामीटर की टर्म में लिखना हो तो डायामीटर की टर्म में देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इक्वल्स टू एस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल, डी बाई 2 क्या होता है आर होता है ना, या आर को हम डी बाई 2 लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू डी बाई 2, डायामीटर की हाफ वैल्यू रेडियस कहलाती है, तो इसीलिए यहां पर हमने डी स्क्वायर बाय 4 कर दिया आर की जगह, 2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाएगा,
तो कई बच्चे रेडियस फाइंड नहीं करके डायरेक्ट डायमीटर से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ डायमीटर लिख रहे हो तो उसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो और ओम इंटू सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी। ओके, इसकी वैल्यू वेरी करती है 10^-5 टू 10^-6 ओम इंटू सेंटीमीटर में, जो रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट 10 की हम लेते हैं। ओके, लेकिन इसके एक्चुअल एलिमेंट बताया था 48 10^-8 ओम इंटू मीटर, बट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 10^-6 चला जाएगा, और 48 है तो 48 को 4.8 लिखोगे तो 10^-5 हो जाएगा। तो 4.8 10^-5, 10^-5 में ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर रहना चाहिए ओम इंटू सेंटीमीटर में। ओके, दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर रेजिस्टिविटी के केस में। ओके, फिर एक बात आती है इसकी सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिव मीटर ब्रिज किसे कहेंगे हम, अ मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉल चेंज इन दिस आर। आर में ही तो हम चेंज कर सकते हैं, बाकी तो सारे फिक्स्ड है। एस गिवन वायर है, फिक्स्ड है रेजिस्टेंस। पी से क्यू तक का ये जो ए बी का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है, तो वी कैन चेंज ओनली कैपिटल आर, जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है। तो सेंसिटिविटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि अ ब्रिज इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ फॉर स्मॉल चेंज इन कैपिटल आर देर इज लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, देन द ब्रिज इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। ओके, फॉर स्मॉल चेंज इन कैपिटल आर इफ देर इज लार्ज चेंज इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देन द ब्रिज इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी फॉर द मीटर ब्रिज, इसको भी नीचे कहीं नोट कर लेना कि सेंसिटिविटी क्या है। वही जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने बताया था वैसे यहां पर है। इसको भी कैसे इंक्रीज करोगे, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाओगे, बाय टेकिंग ऑल 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ सेम ऑर्डर। इन चारों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, क्लियर। तो इसीलिए हम एस की जो वैल्यू लेते हैं या आर की जो वैल्यू लेते हैं वो विद इन 10 ओम ही रखते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का अगर आपके पास में वायर है, ओके, कॉन्स्टेंटन का बना है, तो उसका रेजिस्टेंस 12 ओम के आसपास आता है। स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मैं बताऊं, जो हमारे पास लेबोरेटरी में जो वायर्स होते हैं तो उन वायर्स के लिए हम 12 ओम के आसपास इस ए से बी तक कॉन्स्टेंटन वायर का 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है। तो उस सिचुएशन में हम एस की और आर की वैल्यू भी विद इन 10 ओम ही रखते हैं, और उससे क्या होता है, ब्रिज की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी, बाय टेकिंग ऑल 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ सेम ऑर्डर एज इन केस ऑफ द मीटर ब्रिज, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। क्यों बढ़ाना चाहते हैं सेंसिटिविटी को, ताकि एरर जो है इसके मेजरमेंट में, एस के मेजरमेंट में वो डिक्रीज हो जाए। ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स यहां पर और नोट कर लेना। सेंसिटिविटी क्या है कि चेंज इन आर, लार्ज चेंज इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। सेंसिटिविटी कैसे हाई की जाती है, बाय कीपिंग ऑल 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ सेम ऑर्डर। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि इस सेंसिटिविटी से होता क्या है, जो एरर इन मेजरमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो नोट डाउन ऑल दीज 3 पॉइंट्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज। कल हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करके